मौसम खराब हो चुका था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ नदी है और किस तरफ पहाड़। रास्ते में कुछ पत्थर और बीच में पानी आ रहा था। आज हम आपके लिए एक ऐसी सत्य घटना लेके आए हैं जिसे सुनने मात्र से आपको यह एहसास होगा कि संकट चाहे कैसा भी आए, भगवान उनके बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। यह बात साल 2000 की है, तब मैं 7 साल की थी, पर आज भी मुझे वो घटना अच्छी तरह याद है। मैं मेरे परिवार के साथ केदारनाथ गई थी। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के लगभग 4:30 बजने वाले थे। वहाँ के लोगों ने बोला, अब आप नीचे नहीं उतर पाएंगे, यहीं रुकना सही रहेगा। पर मेरे पिताजी को लगा कि अभी समय है और हम आराम से नीचे उतर सकते हैं। हमारे साथ एक और परिवार भी था। फिर हम लोगों ने निश्चय किया कि इसी समय नीचे उतरना ठीक है। और जैसे ही हमने नीचे उतरना प्रारंभ किया, कुछ ही समय में अंधेरा हो गया। उस समय हमारे पास कोई फोन या टॉर्च भी नहीं थी। अंधेरा गहरा हो गया। एक तरफ अलकनंदा जी की आवाज, दूसरी तरफ बड़े पहाड़। मौसम खराब हो चुका था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ नदी है और किस तरफ पहाड़। रास्ते में कुछ पत्थर और बीच में पानी आ रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया हुआ था और वो 2-3 बार लड़खड़ा चुके थे। मैंने डर के कारण रोना शुरू कर दिया। लग नहीं रहा था कि हमारी सुबह हो पाएगी। तभी एक जगह हमें छोटी सी कुटिया दिखी। वहाँ एक जगह एक नौजवान खाना बना रहा था। कुटिया में बस 2-3 लोग थे। वो अपना खाना छोड़कर आए, मुझे अपने कंधे पे बैठाया और सही सलामत हमें गोरीकुंड के पास वाले कैंप तक पहुँचा दिया। मुझे आज भी यही लगता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे स्वयं हनुमान जी अथवा उनका कोई दूत था जो हमारी मदद करने के लिए आए थे। क्योंकि मेरी माँ प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करती है। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। जहाँ प्रभु हनुमान जी की भक्ति होती है, वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।